हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास टेन सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट सेवन करेंगे अब तक हम लोगों ने इसके छः पार्ट्स कर लिए हैं पार्ट वन में इंट्रोडक्शन चैप्टर का डिस्कस किया गया साथ में एक पेंटिंग फेडरिक्सों ने बनाया था जो नेशनलिज्म इन यूरोप के कॉन्सेप्ट से काफ़ी मैच कर रहा था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कसन किया था पार्ट टू में द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन टॉपिक को डिस्कस किया गया पार्ट थ्री में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास को डिस्कस किया गया पार्ट फोर में वाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर टॉपिक को डिस्कस किया गया पार्ट फाइव में अ न्यू कंजरवेटिज्म 1815 को डिस्कस किया गया पार्ट सिक्स में द रेवोल्यूशनरीज इसमें इटली के रेवोल्यूशनरीज के बारे में भी डिस्कस किया गया और आज हम लोग पार्ट सेवन कर रहे हैं पार्ट सेवन में आज का टॉपिक है पॉइंट नंबर द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 थर्टी टू एटीन ये मेन हेडिंग हो गया और इस मेन हेडिंग का आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एज कंजर्वेटिव रीजन ट्राई टू कंसोलिडेट देर पावर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विध रेवल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन जर्मन स्टेट्स द प्रोविंसेज ऑफ द ऑटोमान अंपायर आयरलैंड एंड पोलैंड इस हेडिंग में ये बोला गया कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम जो कि हम लोग इस पॉइंट फाइव में पार्ट फाइव में डिस्कस किए गए थे कि कंजर्वेटिव रेजिम 1815 के बाद इस्टैब्लिश किया गया था नेपोलियन बोला पार्ट को हराने के बाद हटाने के बाद और उसके बाद जब ये पुराने ओल्ड रेजिम्स को इस्टैब्लिश किया गया जो भी पुराने साम्राज्य थे उसी में बॉबॉन फैमिली को भी इस्टब्लिश uh, किया गया था तो बताया गया कि जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम अपने पावर को कंसोलिडेट करने लगा उसी तरीके से सेम सिचुएशन में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को का भी भावना बढ़ने लगा और इसको सपोर्ट करने वाले जो लिबरलिस्ट लिबरल्स थे और नेशनलिस्ट थे ये दोनों भी अपने आप को कंसोलिडेट करने लगे और इसकी वजह से कई पार्ट्स में कई रीजन् में मेनी रीजन्स ऑफ़ यूरोप जैसे कि इटालियन इत, रीजन्स था जर्मन स्टेट्स थर्टी नाइन कन्फेडरेशन का जर्मन स्टेट्स था या फिर ऑटमन अम्पायर के बहुत सारे प्रोविंस थे आयरलैंड पोलैंड इन सभी जगहों पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा फैलने लगा दीज रेवोलूशंस लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट एमोंग होम वेयर प्रोफेसर्स स्कूल टीचर्स क्लर्क्स मेम्बर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस इस रेवोल्यूशन में जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे तो ये सब लोग एजुकेटेड थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास में ही एलाइट वर्ग के थे एलाइट वर्क का मतलब कि धनी और संपन्न वर्ग और इसमें ये लोग कौन सा प्रोफेशन कर रहे थे तो ये प्रोफेसर्स थे स्कूल टीचर्स थे क्लर्क्स थे या फिर और भी कमर्शियल मिडिल क्लास जो कि ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व थे वो सब लोग जो रिच सोसाइटी को बिलोंग करते थे एजुकेटेड थे ये सब लोग इस रेवोल्यूशन में शामिल हो गए और यही लोग का ग्रुप लिबरल्स या नेशनलिस्ट कहलाया द फर्स्ट अपील टूक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. सबसे पहले 1830 जुलाई में फ्रांस में पहली बार विद्रोह स्टार्ट हुआ द बॉर्बॉन किंग्स पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 फिफ्टीन वे आर नाउ ओवर थ्रोन बाई लिबरल रेवोलूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कंस्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप एट इट्स हेड इस हेडिंग में यह बताया गया कि जो बॉर्बॉन किंग्स को इस्टेब्लिश किया गया था एटीन फिफ्टीन कंजर्वेटिव के थ्रू अब उनको ओवरथ्रोन यानी कि उनको हटा दिया गया उनको हटाने वाले कौन थे तो ये लिबरल रेवल्यूशनरीज थे और इन लोगों ने उसके बदले इस बॉबन किंग्स को हटाया और उसके बदले किसको स्टैब्लिस किया तो कंस्टिट्यूशनल मोनार्की किया मोनार्की में मोनार्क बनाया बनाया गया लुई को बनाया गया लुई फिलिप्स को हेड और इस तरीके से यह कंस्टिट्यूशनल मोनार्कीब्लिश किया गया इस तरह से लुई फिलिप को जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन में कंस्टिट्यूशनल मोनार्की में स्टैब्लिस किया गया मोनार्की का सीधा मतलब था कि अब जो भी मोनार्क होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा और वो मोनार्क तो रहेगा लेकिन वो उसको हर तरीके से अब जो असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनली इस्टेब्लिश किया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो कंट्रोल्ड किया जाएगा वेन फ्रांस नीजेज मैटर्निक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच इज कोल्ड एक बार मैटर्निक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है तो यहाँ यह एक स्टेटमेंट था इसका सीधा मतलब था कि फ़्रांस में किसी भी तरह का पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है तो उसके वजह से पूरे यूरोप में उसका असर होता है तो यहाँ भी जो जुलाई 1830 में बॉर्बोन किंग्स को ओवरथ्रोन किया गया और कंस्टिट्यूशनल मोनार्की लुई फिलिप्स को मोरार्क बनाकर किया गया इसका सीधा असर था कि यूरोप में अब इसका कुछ धीरे धीरे इफेक्ट पड़ने वाला था इसी के बारे में ने एक एक किया था एक सेंटेंस के बारे में द जुलाई रेवोल्यूशन टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड इस जुलाई 1830 फ्रांस के रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में अपराइजिंग स्टार्ट हो गया अपराइजिंग का मतलब विद्रोह और इसकी वजह से क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया पहले बेल्जियम इस नीदरलैंड का ही हिस्सा था लेकिन इस जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन से बेल्जियम इस नीदरलैंड से अलग हो गया एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स एमोंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसकी वजह से थोड़ा सा और भी एक इसमें हम लोग को दिखता है कि यूरोप में ग्रीस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश में हम लोग ग्रीक बोलते हैं और हिंदी में इस देश को हम लोग यूनान बोलते हैं उसी के बारे में यहाँ बताया गया है ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन अम्पायर सिंस द फिफ्टींथ सेंचुरी ये जो ग्रीस था इस ग्रीस का फिफ्टींथ सेंचुरी से ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा था तुर्की साम्राज्य द ग्रोथ ऑफ़ रेवलूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्ग ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमोंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821. 1821 में ये ग्रीस या फिर ग्रीक्स जो थे ये ऑटोमन अम्पायर से खुद को इंडिपेंडेंट कराने के लिए फाइट स्टार्ट कर दिए और उनका स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गया नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉड सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्राम एनी वेस्ट यूरोपियन हुड सिंपथाइज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर और इस तरह से ग्रीस जो 1821 में अपने इंडिपेंडेंट के लिए फाइट स्टार्ट किया उसको ऐसे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला जो ग्रीस से बाहर एग्जाइल जीवन जी रहे थे यानी देश निकाला जी रहे थे और ऐसे लोगों को बहुत सारे वेस्ट यूरोपियंस ने भी मदद किया पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड एम्पायर जो था एम्पायर था और इस मुस्लिम एम्पायर से सब बाहर निकलना चाह रहे थे हम लोग ग्रीस की बात कर रहे हैं और इसमें वहाँ के पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी काफी ब्हाइस रेज किया और उनका मानना था कि जो ग्रीस या यूनान है ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है क्रेडल का मतलब झूला या पालना और एक्चुअली ये ग्रीस से ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और अब ये ग्रीस खुद इस मुस्लिम एम्पायर इसका मतलब कि ऑटोमन एम्पायर से खुद को इंडिपेंडेंट कराना चाह रहा था द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन एटीन ट्वेंटी एक इंग्लिश पोइट का नाम यहाँ फेमस हो रहा है लॉर्ड बायरॉन इन्होंने फंड्स इकट्ठा किए और उस फंड से इन्होंने फाइट में हेल्प किया और इनका डेथ ये मरे फीवर से 1824 में फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटीनोपोल ऑफ 1832 थर्टी टू रिकॉगनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन कॉन्स्टेंटिनो पोल की ट्रीटी 1832 हुई और इसकी वजह से ग्रीस को द ऑटोमन अम्पायर से इंडिपेंडेंट मिल गया और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1832 में आज के इस टॉपिक में कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से हम लोग देख लिया जाए बताया गया कि द एज ऑफ रेवोल्यूशंस एटीन थर्टी के हेडिंग में बताया गया कि जो कंजर्वेटिव रेजिम्स था जब ये अपने पावर्स को कंसोलिडेट कर रहे थे तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहां कहां स्प्रेड हुआ फैला तो ये इटालियन जर्मन स्टेट्स प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन अंपायर आयरलैंड और, और पोलैंड में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है वो ये कि इस लिबरल नेशनलिस्ट में कौन कौन से कैटेगरी के लोग बिलोंग करते थे तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे एलाइट वर्क के थे और इसमें प्रोफेसर्स स्कूल टीचर्स क्लर्क्स मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग शामिल थे तीसरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो रहा है कि फ्रांस में जो अपहील था फर्स्ट अपहील इस रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रेवोल्यूशन जो था एटीन वाला ये फ्रांस में कब हुआ तो ये जुलाई 1830 में हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि द बॉबन किंग्स को किसने ओवर थ्रोन किया तो ये ओवरथ्रोन हुए लिबरल रेवोल्यूशनरीज के थ्रू और इसके बदले क्या इंस्टॉल किया गया तो इसके बदले अ अकंस्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टैब्लिश किया गया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंस्टिट्यूशनल मोनार्की जब फ्रांस में जुलाई 1830 को इस्टैब्लिश किया गया तो उस समय कौन किंग बना मोनार्क कौन बना तो उसका आंसर होगा लुई फिलिप्स इसके कंस्टिट्यूशनल हेड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किस किसने ये कहा व्हेन फ्रांस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच इज कोल्ड तो ये स्टेटमेंट किसका है ट्यूक मेटर्निक का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस जुलाई 1830 फ्रांस रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम किससे अलग हुआ तो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा था इससे अलग हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकता है कि ग्रीस ऑटोमन अंपायर का हिस्सा कब से था तो इसका आंसर है कि यह फिफ्टींथ सेंचुरी से ये ग्रीस ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये ग्रीस ऑटोमन अंपायर से कब इंडिपेंडेंस का फाइट स्टार्ट किया तो 1821 में इसने फाइट स्टार्ट किया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है कि ग्रीस को उसके इंडिपेंडेंट फाइट में कौन कौन लोगों ने मदद किया किस तरह से उसको हेल्प मिला तो ये हो सकता है इसमें आंसर कि ग्रीक्स के बाहर जो ग्रीक के बाहर जो लोग एग्जाइल जी रहे थे और जो वेस्ट यूरोपियन के कुछ लोग थे सिंपथीज रखते थे उन लोगों ने इनको हेल्प किया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस कंट्री के बारे में कहा गया डैश एज द क्रेडल ऑफ़ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबालाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम अम्पायर तो ये क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में किस कंट्री के लिए बोला गया तो ये ग्रीस के बारे में बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से एक इंग्लिश पोएट ने इस ग्रीक वॉर में फंड रेज किया फंड्स को जमा किया तो उस इंग्लिश पोएट का नाम होगा लॉर्ड बायरॉन ये कब मरे ये फीवर से डेथ हुआ 1824 को नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कब हुआ तो ये 1832 में हुआ इस द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के 1832 के ट्रिटी से क्या हुआ तो इससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया तो आज के इस टॉपिक में यही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट एट थ्री पॉइंट वन का हेडिंग होगा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे लगे यदि अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू